हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शेख होम गार्डन। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम आसान तरीके के चार अलग किस्म के हैंगिंग पॉट्स बनाकर दिखाने वाले हैं, वो भी कम से कम एक्सपेंडिचर में। इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए ताकि आपको शेख होम गार्डन से न्यू अपडेट्स मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये चार डिफरेंट हैंडल्स के हैंगिंग पॉट्स है, ये हमने खुद बनाया है। इन हैंगिंग पॉट्स को बनाना बहुत ही आसान है। आज हम इस वीडियो में 6 इंच के पॉट को हैंगिंग पॉट की तरह बनाकर दिखाने वाले हैं। ये गोल्डन मनी प्लांट है, इसको हमने प्लास्टिक हैंगिंग हुक की मदद से हैंग किया है। ये कैलिको प्लांट है, इसको हमने मेटल चेन की मदद से हैंग किया है। ये पिलो प्लांट है, इसको हमने बकेट हैंडल्स की मदद से हैंग किया है। ये एरो हेड वाइन प्लांट है, इसको हमने सिर्फ जे वायर की मदद से हैंग किया है। इन चार अलग हैंडल्स के हैंगिंग पॉट्स को बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहले हैंगिंग पॉट का तरीका, इस हैंगिंग पॉट को मेटल चेन की मदद से हैंग करने वाले हैं। इस हैंगिंग पॉट को बनाने के लिए हमें एक सोल्डरिंग आयरन, 6 इंच का प्लास्टिक पॉट और एक मेटल चेन जो आसानी से कोई भी हार्डवेयर शॉप में केवल 20 रुपए में मिल जाएगी। इसमें 3 चेन्स है, इसीलिए हमें 3 होल्स की ज़रूरत है। अब इस प्लास्टिक पॉट में सोल्डरिंग आयरन की मदद से ट्रायंगल शेप में 3 होल्स बना लेंगे। अब इन होल्स में चेन्स के एंड्स को फिक्स कर लेंगे। एंड्स को फिक्स कर लेने के बाद पॉट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जे वायर है, इस जे वायर को चेन्स के एंड्स में से इंसर्ट कर लेंगे। मजबूत बनाने के लिए 2 राउंड्स लेंगे। इस मेटल चेन को ऊपर की तरफ खींच लेंगे ताकि जेवर हाइड हो जाए और दिखने में भी नीट दिखे। अब इस जेवर को बांध लेंगे। ये हैंगिंग पॉट बनकर तैयार है। यूजुअली लोग चेन्स के एंड्स को बांधते हैं, इसे ये डिसएडवांटेज है कि सिर्फ 3 साइड्स पे ही वेट पड़ेगा। वेट पड़ने के वजह से पॉट बेंड होने के चांसेस है, इसीलिए हमने जे वायर को यूज़ किया ताकि वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये हैंगिंग पॉट तकरीबन 5 से 10 किलो तक आसानी से वेट सह सकता है। दूसरे हैंगिंग पॉट का तरीका, इस हैंगिंग पॉट को बकेट हैंडल्स की मदद से हैंग करने वाले हैं। हमारे गार्डन में कई सारे प्लांट्स पेंट और कर्ड बकेट में ही प्लांट किए हुए हैं। इन बकेट्स के हैंडल्स को हैंगिंग पॉट्स में इस्तेमाल करने वाले हैं। सोल्डरिंग आयरन की मदद से 4 होल्स बना लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो, अब इन हैंडल्स के एंड्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड कर लीजिए। इसी तरह दूसरे हैंडल्स के एंड्स को भी बेंड कर लीजिए। अब इन हैंडल्स को होल्स में इंसर्ट कीजिए। लास्टली जे वायर की मदद से दोनों हैंडल्स के सेंटर में बांध लीजिए।
जैसे कि आप देख सकते हो, ये हैंगिंग पॉट बनकर तैयार हो गया है। ये हैंगिंग पॉट तकरीबन 4 से 5 किलो तक वेट सह सकता है। तीसरे हैंगिंग पॉट का तरीका, अगर आपके पास मेटल चेन या बकेट हैंडल्स नहीं रहे तो आप इस तरीके का हैंगिंग पॉट बना सकते हो, क्योंकि हम सिर्फ जेवर की मदद से हैंगिंग पॉट बना रहे हैं। पहले आप जेवर को पॉट के 2 राउंड्स ले लीजिए। जेवर को ऊपर की तरफ हाइट करते हुए अच्छे से बांध लीजिए। सोल्डरिंग आयरन की मदद से 3 इक्वल डिस्टेंस पे होल्स बना लीजिए। हैंग करने के लिए जेवर को 3 इक्वल लेंथ्स में कट कर लीजिए। अब इन 3 वायर्स को होल्स में से इंसर्ट करते हुए नीचे के राउंड वायर को बांध लीजिए। बांध लिए बाद ये हैंगिंग पॉट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। स्क्रीन पे दिखाई दिए जैसे इन वायर्स को बांध लीजिए। आप देख सकते हो, ये हैंगिंग पॉट बनकर तैयार हो गया है। चौथा और आखिरी हैंगिंग पॉट का तरीका, इस हैंगिंग पॉट को बनाने के लिए हमें सिर्फ एक प्लास्टिक हैंगिंग हुक की जरूरत है। ये हुक आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। ये हैंगिंग पॉट का सबसे आसान तरीका है। इस हुक को पॉट के नीचे के हिस्से पे से लगाकर ऊपर की तरफ से फिक्स कीजिए। इसी तरह 3 हुक्स को फिक्स कर लीजिए। इन हुक्स को इक्वल डिस्टेंस में मूव कर लीजिए। ये हैंगिंग पॉट बनकर तैयार हो गया है। ये हैंगिंग पॉट तकरीबन 3 से 4 किलो तक वेट सह सकता है। हमने 4 डिफरेंट हैंडल्स के हैंगिंग पॉट्स बनाने का तरीका बता चुके हैं। अब हम इन हैंगिंग पॉट्स में प्लांटिंग करने वाले हैं। पहले इस मेटल चेन हैंगिंग पॉट में प्लांट करेंगे। इस पॉट में सोल्डरिंग आयरन की मदद से 2 ड्रेनेज होल्स बना लीजिए। एक होल साइड के 1 इंच ऊपर बना लीजिए और उसी के साथ नीचे की तरफ भी एक होल बना लीजिए। इसके बाद टाइल्स की मदद से ड्रेनेज होल कवर कीजिए ताकि एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो जाए। हमारे इस सॉइल मिक्सर में 40% कोकोपीट, 35% गार्डन सॉइल, 25% वर्मी कंपोस्ट है। टाइल्स को ध्यान में रखते हुए सॉइल मिक्सर को डाल लीजिए। इस हैंगिंग पॉट में हम कैलिको प्लांट लगा रहे हैं। कैलिको प्लांट स्टेम कटिंग से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। आप देख सकते हो, इस स्टेम में रूट बड्स आए हैं। इस रूट बड्स को कवर करते हुए सॉइल मिक्सर को फिल कीजिए।
जैसे कि आप देख सकते हो, इस हैंगिंग पॉट में हम 4 स्टेम्स प्लांट किए हैं। प्लांटिंग के बाद ये हैंगिंग पॉट काफी अट्रैक्टिव हो गया है। इस हैंगिंग पॉट में हम पिलो प्लांट लगाएंगे। हमारे गार्डन के हैंगिंग पॉट्स में तकरीबन सारे बकेट हैंडल हैंगिंग पॉट्स हैं। अब हम जेवर हैंगिंग पॉट में प्लांट करेंगे। इस पॉट में हम एरोहेड वाइन प्लांट लगा रहे हैं। इस पॉट में हमने 4 एरोहेड वाइन प्लांट लगाए हैं। आप देख सकते हो, ये दिखने में काफी सुंदर है। लास्टली अब हम प्लास्टिक हुक हैंगिंग पॉट में गोल्डन मनी प्लांट लगा रहे हैं। गोल्डन मनी प्लांट हैंगिंग पॉट में काफी सुंदर दिखाई देता है। जैसे कि आप देख सकते हो, प्लांटिंग के बाद ये हैंगिंग पॉट काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। इन 4 हैंगिंग पॉट्स में वॉटरिंग दीजिए। हमने इस हैंगिंग पॉट्स को एक स्टैंड पर हैंग किया है। आप देख सकते हो, ये 4 हैंगिंग पॉट्स इस स्टैंड पर दिखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। ये इंडोर प्लांट्स है, इसीलिए हमने इसे सेमी शेड एरिया में ही हैंग किया है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ न्यू कंटेंट के साथ फिर वापस आएंगे। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए ताकि आपको शेख होम गार्डन से न्यू अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।